मेक्सिको चलते, बुरीतो बनाएंगे सालसा डिप के लिए, सालसा डांस के लिए नहीं, बट थोड़ा सा इंडियन स्टाइल में बनाऊंगी थी और सुबह उठ के ऑफ कर देती थी। I just wanna love you, just wanna hold you, just wanna be with you till we grow old. Beside me you'll stay or take me away. I want you for myself every single day. हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? ये देखो बाहर का नज़ारा, बारिश हो रही है, दो दिन हो गए बारिश हुए जा रही है और ज़ोरों वाली हो रही है और केविश बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया क्योंकि वो बाइक नहीं राइड कर पा रहा है। आप लोगों को पता ही है कि उसको आजकल बाइक राइड करने का भूत सवार है और वो बहुत ज़्यादा इरिटेटेड है। ठंडी वाली हवा चल रही है, कल ही मैंने बिग बिग जैकेट्स अंदर रखे, थोड़े स्वेटर्स बाहर रखे थे तो मैंने सोचा चलो आज डाल दूँगी, अब लग रहा है नहीं रुक जाओ अभी भी, अभी पूरा समर नहीं आया है। और ऐसे वेदर में ना कुछ भी करने का मन नहीं करता, सुबह से इतना बोरिंग चल रहा था, बस जल्दी जल्दी नॉर्मल सा ब्रेकफास्ट बनाया, एक सैंडविच बनाया था और लंच में खिचड़ी, बोरिंग वाली खिचड़ी बनाई थी आज ना। वो होता है ना कभी कभी आप कुकिंग करते हो तो बिल्कुल शॉर्टकट स्टाइल में करते हो, तो वैसे क्योंकि कुछ मन ही नहीं कर रहा था करने का। बस हाँ एक चीज़ बहुत अच्छी हुई आज ना, व्हाट्सएप पे हमने गेम खेला, मैं मेरी फ्रेंड यूएस में जो फ्रेंड रहती है, हाँ वही हेयर कट इंस्पिरेशन वाली, और उसकी कज़न सिस्टर, सब चार पांच गर्ल्स थे हम, हमने मिलके बॉलीवुड अंताक्षरी गेम खेला। और जब बात म्यूज़िक की हो तो मैं तो वैसे ही खुश हो जाती हूँ, बड़े दिनों बाद पुराने पुराने सारे गाने सुने, वो गाए और मैं जीत गई। जब पुराने गाने की बात आती है ना, मुझे अभी तक मोस्टली सारे गाने ना रट्टे हुए हैं। आजकल का गाना आप पूछ लो मुझे, शायद मैं एक लाइन भी ना गा सकूं और ना मुझे वर्ड्स याद है, पर पहले मैं इतना गाना सुनती थी ना, लाइक शादी के पहले तक मैं बहुत ज़्यादा गाना सुनती, इनफैक्ट शायद बच्चों के होने से पहले भी अकेले रहती थी जब घर पे या फिर जब बाहर थे तो टाइम होता था, पूरे टाइम ना गाना चलता ही रहता था, चाहे मैं कुकिंग कर रही हूँ या कुछ और कर रही हूँ। और मुझे पुराने गाने बहुत अच्छे लगते हैं, इनफैक्ट जो किशोर कुमार के टाइम के गाने एंड ऑल, वो सब और सब रट्टे हुए, तो सारे गाने याद आ गए, मज़ा आया, बहुत मज़ा आया आज खेल के। आधा एक घंटा हमने खेला, अनुज भी साथ में थे, बड़ा मज़ा आ रहा था। और अगर आप में से भी किसी को पुराने गाने अच्छे लगते हैं तो मुझे ज़रूर बताना। और पता है मैं जब छोटी थी ना, क्यों यहाँ पे खेल रहा है, तो मैं जब छोटी थी ना तो जब मैथ्स करना होता था, स्पेशली 10th के और 12th के एग्जाम के टाइम जब बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना होता था, तो मेरा ना म्यूज़िक चलता रहता था, गाने चलते रहते थे और मैं साथ में मैथ्स करती थी। तो मम्मी पहले तो गुस्सा होती थी कि ऐसे थोड़ी पढ़ाई होती है गाने के साथ, बट धीरे धीरे फिर उनको समझ आने लगा कि मेरा कॉन्सेंट्रेशन तभी बनता है जब गाने चलते हैं। तो मेरा तो ऐसे ही था कि मैं गाने सुन के ही, राइटिंग का कोई भी काम हो मेरा, बिना गाने का मेरा काम नहीं होता था। और शादी से पहले तो जब मैं पीजी अन्नौल में रहती थी ना, ऑफिस से आने के बाद बस रेडियो लगा के कान में, और कभी कभी तो मैं सुनते सुनते ऐसे ही सो जाती थी और सुबह उठ के ऑफ करती थी। अगर आप लोगों में से भी कोई मेरे जैसे है जिसे मैथ्स करते टाइम म्यूजिक चाहिए होता था तो बताना ज़रूर। अकेविश यहाँ पे क्या बना रहा है? केयूष आज बहुत ही सैड है दोस्तों, क्योंकि वो बाहर नहीं जा सकता। केयूष सैड हुआ, फॉर वॉक जाना चाहते हैं। हाँ सामने एक चर्च है, दूसरा वाला चर्च है, उसकी पार्किंग बिल्कुल खाली रहती है आजकल, तो हम वही जाते हैं, हम वॉक कर लेते हैं और ये लोग बाइक चलाते हैं, तो अच्छा सा एक डेढ़ घंटा फ्रेश हो जाते हैं फिर बच्चे, और इवनिंग का टाइम भी पास हो जाता है। ये देखो अब हम इसको कनेक्ट करेंगे और ये बन जाएगा, ये डोर है, यहाँ से कार ऐसे जूम 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 करके जाएगा और वहां से ओ, 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 ये तो नीचे से चला गया, ये होल से चला गया, बीच में इसके होल था, होल से ही गिर गया। ये आज केयूष को ग्लास में दूध नहीं पीना, उसको कॉर्नफ्लेक्स और दूध पीना है। यम्मी। ब्रेकफास्ट एंड लंच में तो खूब मैंने काम चोरी गिरी कर ली, बट केयूष ने मुझे अल्टीमेटम दे दिया है, खिचड़ी देख के बोलता है आई डोंट वॉन्ट टू ईट दिस येल्लो थिंगी, तो उसको बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा था खिचड़ी खाने में। बड़ी मुश्किल से प्यार से स्टोरी सुना सुना के मैंने उसको पापड़ के साथ खिलाया, और जो चीज़ उसको पसंद नहीं है ना वो खुद से नहीं खाता है, फिर वो मुझे खिलाना होता है थोड़ा माइंड डाइवर्ट करके।
तो अब मुझे डिनर में कुछ तो अच्छा बनाना पड़ेगा। तो आज हम बनाने वाले हैं कुछ मैक्सिकन। तो यहाँ पे मैंने राजमा रात भर सोख करके बॉयल करके रख लिया है। ये है कॉर्न, फ्रोजन कॉर्न है ये। और सालसा बनाना है उसके लिए भी टमाटर चाहिए, और मैं गोकामोली भी बना रही हूँ इसलिए एवोकाडो यूज़ कर रही हूँ। मेरे पास एक्चुअली बहुत सारे एवोकाडो हैं तो इसलिए मैं यूज़ कर रही हूँ, वैसे तो गोकामोली नहीं भी बनाओ तो चलता है। और ये आटा गूंद के रख लिया है, इसमें सिर्फ नमक डाला था। और ये मेरे पास थोड़ा सा स्प्राउटेड मूंग रखा हुआ था तो मैं इसको ब्लांच कर रही हूँ, लाइक पानी को अच्छे से बॉईल करके थोड़ी देर इसको डिप करके रख दूंगी कि सॉफ्ट हो जाए। और सार क्रीम चाहिए होता है बट मेरे पास है नहीं, तो मैंने दही को ऐसे ही हैंग करके रख दिया है, हंकर टाइप का बन जाएगा। बुरी तो बनाएंगे बट थोड़ा सा इंडियन स्टाइल में बनाऊंगी, टॉटिया यूज़ नहीं कर रही हूँ, है भी नहीं मेरे पास। तो मैं रोटी बनाऊंगी नॉर्मल बिग रोटी बना के फिर उसमें फिलिंग करूंगी। और सालसा के लिए टमाटर काट लेती हूँ, सालसा डिप के लिए, सालसा डांस के लिए नहीं। तो सालसा कुछ लोग कुक करके भी बनाते हैं, कुछ रॉ कच्चा वाला भी बनाते हैं, मैं रॉ वाला ही बना रही हूँ जो सैलड टाइप जैसे होता है। एक टमाटर मैंने काट के डाल दिया है, और ये एक टमाटर ऐसे ना हाफ करके इसका अच्छे से जूस निकाल के डाल रही हूँ, क्योंकि सालसा ना काफ़ी जूसी जूसी बनता है। इनफैक्ट इसको भी थोड़ा सा ब्लांच करके डालो ना टमाटर को, जब सॉफ्ट हो जाता है आई थिंक वो ज़्यादा जूसी बनेगा। थोड़ा सा गार्लिक, अनियन, और थोड़ा सा इंडियन टच देना तो बनता ही है, तो ग्रीन चिलीज और कोरिएंडर लीव्स डाल रही हूँ, और लेमन। और इसको मिक्स करते टाइम ना टमाटर को थोड़ा सा मैश करना है ताकि उसका जूस भी निकले। थोड़ा सा नमक, क्यूमिन पाउडर, भुना हुआ जीरा का मसाला हो तो और अच्छा है, और मेरे पास पेपरिका है इसलिए डाल रही हूँ, आप चाहो तो अवॉइड कर सकते हो अगर आपके पास नहीं है तो। एक तरह से देखा जाए तो हमारी देसी प्याज टमाटर की चटनी ही है, बस अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो हो गया हमारा सालसा डिप रेडी, अब बनाते हैं बुरितो की फिलिंग। सबसे पहले जाएगा खूब सारा गार्लिक, अनियन, टमाटर, कभी राजमा बनाया हो और बच गया ना राजमा और बच्चे सेम चीज फिर से नहीं खाना चाहते तो ये ट्राई करके देखना। बस राजमा को अच्छे से मैश कर देना है क्योंकि ये ना हमें स्प्रेड करना है अपनी रोटी के ऊपर। थोड़े से येलो पेपर भी डाल देती हूँ, इस पर तो इनफैक्ट कुछ भी डाल सकते हैं, बहुत लोग राइस भी डालते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ बीन्स भी डालते हैं, तो जो हो घर पे सामने वो डाल दो अपनी मर्जी से। नमक और थोड़ा सा क्यूमिन पाउडर, इसमें डलता है खूब सारा टोमेटो केचप भी, बट मेरे पास ज़्यादा है नहीं तो मैं थोड़ा सा ही डाल रही हूँ। अब यहाँ पे मैंने ले लिया है कॉर्न, इसमें डालेंगे बिल्कुल थोड़ा सा नमक, खूब सारा कोरिएंडर लीव्स, चाहो तो थोड़ी सी मिर्ची भी डाल लो, अगर आपके पास सार क्रीम है तो वो डाल लो, मैं हंकर्ड डाल रही हूँ। तो ये हो गई हमारी फिलिंग रेडी, कॉर्न भी रेडी हो गया है और सालसा भी रेडी है, अब बस रोटी बनानी है और सब कुछ अच्छे से असेंबल करना है। साथ में ना नैचोस भी बना रही हूँ, बच्चों को अच्छा लगेगा चिप्स के जैसा, बट चावल के आटे का नहीं बनाऊंगी, मैं बना रही हूँ मकई के आटे को और गेहूं के आटे को मिक्स करके। एक्चुअली जब भी मैं साग बनाती हूँ ना सरसों का साग, तो मुझे मकई का आटा चाहिए होता है, बट उसमें कितना ही यूज होता है, थोड़ा सा। बट लास्ट टाइम जब अनुज लेके आए थे ना तो छोटा पैकेट नहीं मिला, बड़ा पैकेट लेके आ गए थे, तब मकई का आटा फिनिश करता है क्योंकि कोई रोटी खाता नहीं है तो मैं बनाती नहीं हूँ। तो वैसे तो कर सकते हैं लाइक रोटी में थोड़ा थोड़ा करके डाल दूँ, शायद वही करना पड़ेगा, बट आज मैं ये नेचुरल ट्राई करके देखती हूँ, अगर अच्छा लगा बच्चों को भी अच्छा लगा तो ये मैं फिर फ्रिक्वेंटली बना के रख भी सकती हूँ, स्टोर भी कर सकती हूँ, एज अ स्नैक्स हो जाएगा। हाफ कप गेहूं का आटा डाला है और एक कप मैं डाल रही हूँ मकई का आटा, इसमें डाल रही हूँ नमक, थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा कश्मीरी चिली पाउडर,
और बिल्कुल थोड़ा सा तेल। नाचोस का आटा भी रेडी है। हाँ, नीचे तक इस कॉर्नर से ऐसे करके मैंने फर्स्ट टाइम मकई का आटा बेला ना, तो वैसे बेलना थोड़ा मुश्किल होता है। मतलब मुझे पता तो था कि मुश्किल होता है बेलना, बट मुझे लगा कि नॉर्मल होल व्हीट आटा मिक्स किया है तो फिर शायद हो जाएगा, बट फट रहा था। फिर मेरे पास ये बटर पेपर था तो इसमें रख के फिर बेला, तो इससे हो गया। इसको अच्छे से पूरे में स्प्रेड करो और फिर एक साइड पे कॉर्न लगाओ और फिर सालसा लगाओ। क्या ये चिप्स खाना है पीयूष को? बुरीतो खाना है, आपको पता है बुरीतो है। He heard it. अच्छा रुको रुको रुको, कट करके दे। He knows what a burrito is, but he doesn't know the name. सब कोई अपने अपने बुरीतो खुद ही बना लो। गेहूं का आटा और मकई का, गेहूं का आटा और मकई का आटा, और ये ना ये सालसा के साथ बहुत यम्मी लग रहा है ना। यशा खाया ना, ये खाया ना, ये क्रंची क्रंची थोड़ा सा सेक के और फिर उसको हल्का सा फ्राई किया। ओवन में भी कर सकते हैं। आज मेरे पास टाइम नहीं था, थोड़ा जल्दी जल्दी करना था। एंड ऑफ द डे रोटी और राजमा ही है, बट थोड़ा फैंसी तरीके से। इतना क्या काम था पंजाबी में, ले कैसा लगा? यम्मी यम्मी। ओके केयूष, तो चिप्स खा रहा है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, संडे मॉर्निंग है। मॉर्निंग क्या है, 8:30 हो गए। वाला प्लांट ना जब हम लाए थे तो बहुत अच्छे कंडीशन में नहीं था, सारे लीव्स ना इसके ब्राउन ब्राउन हो रखे थे। तो धीरे धीरे ना न्यू लीव्स आने लगे, तो न्यू लीव्स में भी हल्का सा ब्राउन स्पॉट आ रहा था। तो फिर हमने पुराने सारे लीव्स ना हटा दिए, कट कर दिए जो भी ब्राउन हो रखे थे। तो उसके बाद जो भी लीव्स आ रहे हैं ना बहुत अच्छे एकदम ग्रीन ग्रीन प्लेन प्लेन आ रहे हैं। तो बस लीव्स को क्लीन कर रही हूँ, इन पे ना डस्ट जम जाता है तो जो फोटोसिंथेसिस होता है ना वो अच्छे से नहीं होता है, तो प्लांट्स अच्छे से ग्रो नहीं करते। इसलिए टाइम टू टाइम अगर लीव्स पे डस्ट जमा हो रहा है ना तो वो क्लीन करना बहुत ज़रूरी होता है। सिंपल सा पेपर ले लेती हूँ जो किचन टॉवल वाला पेपर होता है, और उसको पानी में लगा के, और वो जो ये था ना ये हमारे दो अनमोल रत्नों ने फिर से ख़राब कर दिया। तो ये डॉलर स्टोर से लेने का फ़ायदा नहीं है, कोई अच्छा वाला लेना पड़ेगा। ऑलरेडी काफ़ी लेट हो गया है, 8:30 हो गए। एक्चुअली क्या हुआ ना, कल रात को ये लोग सो गए 8:30। अनुज को कुछ काम था, वो अपना काम कर रहे थे, तो फिर मैंने सोचा क्या देखूं। तो ALT बालाजी का ना मैंने लास्ट ईयर सब्सक्रिप्शन रखा होता, उसकी कुछ एक सीरीज़ अच्छी थी तो मैंने देख लिया था। फिर एक साल हो गया, सब्सक्रिप्शन ख़त्म हो गया, फिर मैंने रिन्यू नहीं कराया। तो मैंने ऐसे ही उस ऐप पर गई तो उसमें एक सीरीज़ था मेंटल हुड करिश्मा कपूर का। तो ये सब जो सब्सक्रिप्शंस वाले साइट्स होते हैं ना, तो फर्स्ट एपिसोड फ्री था, मैंने ऐसे ही चलाया तो चल गया। तो मैंने सोचा सब्सक्रिप्शन ख़त्म नहीं हुआ क्या, बट एनीवेज मैं देखने लगी, एक एपिसोड ख़त्म हो गया, अच्छा लगा मुझे।
जैसे ही सेकंड चलाया तो फिर आया कि आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा. तो ये अच्छा मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है कि इंटरेस्ट क्रिएट कर दो और फिर सेकंड एपिसोड से आपको बाय करना पड़ेगा. ज़्यादा नहीं है, ईयरली $12 है. तो मैंने 3 months वाला लिया और फिर उसके 10 episodes से और मैंने 10 कंटिन्यूसली देख लिया. तो ऑब्वियसली लेट तो होना ही था, फिर लेट हो गया सोने में और लेट हो गया उठने में, बट इट्स ओके. हैप्पी वाला संडे. कल का राजमा वाला फीलिंग थोड़ा सा रखा हुआ है तो मैं सोच रही हूँ बस उसी को फिल करके सैंडविच बना लेती हूँ. मैंने सोचा थोड़ा ट्विस्ट कर लेते हैं, राजमा टिक्की टाइप्स बना लेती हूँ. एक्चुअली मेरे पास थोड़े से होल राजमा भी रखे हुए थे, मैश नहीं किया हुआ था, तो वो मिक्स कर दिए, कॉर्न मिक्स कर दिया, थोड़ा सा और टमाटर प्याज डाल दिया और ये ब्रेड को ना हल्का सा पानी में सोख करके और फिर इसमें डाल रही हूँ और इसको मिक्स करके थोड़े और ड्राई मसाले डाल के और फिर हल्के से तेल में जैसे आलू टिक्की करते हैं ना तवे पे, वैसे ही कर लूँगी. अगर आपके पास बॉइल्ड आलू हो ना वो भी ऐड कर सकते हैं क्योंकि आलू भी मॉइस्चर सोख कर लेता है तो बाइंडिंग अच्छी आ जाएगी. यहाँ पे बेसन का थोड़ा सा थिक घोल टाइप्स बना लिया डिप करने के लिए और इसमें सिर्फ थोड़ा सा सॉल्ट डाला है, थोड़ा सा तेल डाला है बस. जूस बन रहा है यहाँ पे, एप्पल और ऑरेंज डाल रहे हो आज, पर इसके साथ तो चाय अच्छी लगेगी. राजमा वो तो बारिश होती रहती है और क्या. गरम होगा ध्यान से. Brilliant, good. Oh. मुझे बहुत से मैसेज आते हैं कि आपका इतना छोटा किचन है आप कैसे मैनेज करते हो. तो छोटा किचन है तो हाँ मैनेज करना पड़ता है. यही है कि आप क्लटर करके नहीं रख सकते. जैसे काम करते करते ही मैं काउंटर टॉप क्लीन कर देती हूँ. अगर क्लटर्ड है सब कुछ फिर काम नहीं हो पाता. तो सिंक के बर्तन भी डिश वॉशर में डाल देती हूँ. फिर जैसे एक बारी कुकिंग करी अभी ब्रेकफास्ट की तो गैस थोड़ा बहुत जो भी गिरता है ना वो साफ कर लो. अदरवाइज ये सब जब सूख जाता है ना फिर साफ करना और भी ज़्यादा मुश्किल होता है. जैसे चाय बन रही है हल्की सी दूध गिर गई उसको तभी क्लीन कर लो तो ईजी रहता है, नहीं तो बाद में फिर ड्राई हो जाता है तो अपनी ही मेहनत ज़्यादा लगती है. बट मीठे के साथ चाय पियो तो मीठा लगता है तो फिर चाय का ना मीठापन नहीं आता. ओहो ये क्या है, लैपटॉप गेम? या ओके इट ओनली हैव गेम्स डाउनलोड. ओके नो वर्क इन. अच्छा अब गेमिंग कंसोल अब के यूज भी बना लो. या गुड गुड सही. पैसे बचाओ ऐसे प्रिटेंड करके खेलो. बस मैं अभी बैठ के व्लॉग ही एडिट कर रही थी फिर देखा कि एंडिंग तो करी नहीं है. लंच एंड ऑल हो चुका है, अराउंड 3:30 हो गए हैं और थोड़ी देर पहले इतनी जोर से थंडर स्टॉर्म हो रही थी. बीच में हल्की सी धूप निकली, लगा कि वेदर अच्छा हो जाएगा बट फिर से क्लाउडी हो गया और बहुत ज़्यादा थंडर हो रहा है. तो वो कहते हैं ना जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, तो शायद बारिश ना हो बट एनीवेज देखते हैं. चलिए आज का ये ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं. अगर आपको अच्छा लगा हो तो थम्स अप देना और अच्छा नहीं लगा हो तो डिसलाइक दे देना, कोई बात नहीं. और यहाँ तक जब आपने देख लिया है तो कुछ तो अच्छा लगा ही होगा. और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे हैप्पी होम का हिस्सा बन जाइए. इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना और मैं आपसे मिलती हूँ जल्दी जल्दी. तब तक आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप स्माइलिंग एंड एज ऑलवेज कीप मेकिंग लॉट्स ऑफ मेमोरीज. बाय बाय. केयूष कितने कार जा सकते हैं इस गैराज में? टू ही जा सकते हैं. टू कार गैराज. ओ डबल डबल डोर गैराज वाला हाउस है. सिंगल फैमिली हाउस.